हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम टू द बुक चैनल। क्या आपको पता है आत्मा के 10 यूनिक नेम्स के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहे हैं? ये सभी वर्ड्स हमारी आत्मा को डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी प्रेजेंस को साइंस ने भी अब मान लिया है। अब साइंस भी ये मानने लगा है कि हमारी बॉडी को एक एनर्जी चलाती है जो किसी ने भी अभी तक नहीं देखी है। इन वर्ड्स को समझने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हमारी आत्मा क्या है और कैसी है, उसकी स्पेशल क्वालिटीज क्या है। साथ ही आप ये भी जान लोगे कि इस संसार में क्या अमर है और क्या नाशवंत है, मनुष्य को किन बातों से दुखी होना चाहिए और किन बातों से नहीं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अनाशी, अविनाशी, अव्यय, नित्य, अवध्य, अच्छेदय, अर्थात जिसका नाश नहीं हो सकता और जिसका व्यय भी नहीं होता। नंबर 2, नित्य, अर्थात जो तीनों काल में समान रहती है। हमारी आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में समान रहती है, यही इस वर्ड का मीनिंग है। नंबर 3, अव्यक्त, अप्रमेय, अचिंत्य, अर्थात जो अव्यक्त है यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अप्रमेय है यानी जिसको नापा नहीं जा सकता, और जो अचिंत्य है यानी जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, शाश्वत, अर्थात जिसका आरंभ और अंत नहीं है, जो अनादि है उसे ही शाश्वत कहते हैं। नंबर 5, अजह, अर्थात जिसका जन्म या फिर उत्पत्ति नहीं होती उसे अजह कहते हैं। नंबर 6, पुराना, अर्थात जो सबसे प्राचीन होने के बाद भी ऑलवेज नई जैसी दिखती है। नंबर 7, सर्वगत, अर्थात जो सभी जगहों और सभी प्राणियों में है। नंबर 8, अचल, अर्थात जो चलित नहीं होती वो। आत्मा सभी जगहों पर व्याप्त होने से नेचुरली अचल ही है। नंबर 9, अदाह्य, अक्लेदय, असोच्य, अर्थात जिसको जलाया, भिगोया या सुखाया नहीं जा सकता। नंबर 10, स्थानु, अर्थात जो स्थिर है, वो ना ही हिलती है और ना ही बदलती है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको आत्मा के इन 10 नेम्स में से किसी के बारे में पहले से पता था? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अपना कीमती समय देके हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।